हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपक थिगड़े फ्रॉम कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये 32 इंच का सैमसंग का टीवी है। इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है, बैकलाइट आती है जाती है, बार बार आ रही है जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन मैं अभी बताता हूँ, तब तक के लिए वीडियो पॉज करके रखता हूँ। दोस्तों, ये सैमसंग का पावर सप्लाई मैंने अभी बाहर निकाला है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, बैकलाइट्स ऑन ऑफ हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये चेक करना है हमें कि बैकलाइट सारे चेक करने हैं, और सेकंड स्टेप ये करना है कि उसका जो BL सिग्नल है वो लॉजिक बोर्ड से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मेरे केस में जो है वो दोनों सही है, बैकलाइट्स भी पूरे क्लियर है, पूरे ओके है। BL सिग्नल जो लॉजिक बोर्ड से आ रहा है वो भी सही आ रहा है। तो अभी बचता है इन्वर्टर का प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इन्वर्टर में अगर आप चेक करोगे, ये जो डायोड आपको दिख रहे हैं, इसमें आप अगर वोल्टेज देखोगे और LCD ऑन करोगे तो ये वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेंगे, हमेशा वेरी होते रहेंगे, मतलब कम ज़्यादा होते रहेंगे। अगर आप ऑन करोगे, बैकलाइट्स जैसे ऑन होती है तो इसकी वोल्टेज कम होते हैं, बैकलाइट्स अगर ऑफ हो जाती है तो इसके वोल्टेज जो बढ़ते हैं। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको ये जो MOSFET दिख रहा है ये चेक करना है। अगर ये सही है तो आपको ये वाली IC चेंज करनी है। ये IC का भी आपको नंबर नहीं दिखेगा, इसका नंबर है 4061A। ये 100 फिल्टर IC है। अगर आप ये चेंज कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी मैं आपको इस IC को चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कैसे चेंज करते हैं वो नहीं बताऊँगा, सीधा चेंज करके LED टीवी में लगा दूँगा तो आपको दिखेगी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी। चलो दोस्तों, मैं अभी लगाने के बाद ही आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए वीडियो पॉज करके रखता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी IC चेंज करने के बाद पूरा TV फिट कर दिया है। अभी देखते चलो ये अभी सही हुआ कि नहीं। तो ये बिल्कुल ऑन हो गए, अभी बैकलाइट्स भी उसके पूरे ऑन हो गए। ओके, देखो दोस्तों, ये अभी बिल्कुल सही हो गया है इसका TV। मेरा पिक्चर भी बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो गया है। अभी मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।